कम खजूरा कान में घुस जाए तो क्या करे, डाले ये एक चीज तुरंत निकल जाएगा बाहर। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और जैसा कि हम सभी जानते हैं इस मौसम में कीड़े मकौड़े बाहर आते हैं। इसमें सबसे खतरनाक कंकुजरे को माना जाता है। कंकुजरे के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती, इसलिए अगर किसी को कंकुजरा काटता है तो मालूम नहीं होता कि क्या करना चाहिए। इंसानों और वेलों की तरह बहुत से स्तनपाई जानवरों के कानों में वैक्स बनता है। दूसरे जानवरों की तरह इंसानों के कानों का वैक्स कोई खास चीज नहीं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी इंसान के बारे में कुछ पता चल सके, और बताए भी कैसे। बदलते मौसम में बहुत से कीड़े मकौड़े घर में आ जाते हैं। इनमें से कुछ जीव काफी खतरनाक भी होते हैं, जिनमें से एक है कंखजूरा। इसका डंक काफी पीड़ादायक और जहरीला होता है। इसके काटने पर आपको थकावट होने लगती है और शरीर में ऑक्सीजन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अगर कान में चींटी चली जाने की वजह से कान में अजीब सी सुरसुराहट हो तो फिटकरी को पानी में मिलाकर कान में डालने से लाभ मिलता है। अगर कंखजूरा आपके कान में चला जाए तो तुरंत पानी में सेंधा नमक मिलाकर कान में डालें। ऐसा करने से कंखजूरा मर जाएगा या फिर पानी के साथ ही बाहर आ जाएगा। रुई से कान साफ करने का तरीका आम है, मगर इसमें कई खतरे हैं। इसीलिए डॉक्टर भी पहले कान में कुछ डालकर वैक्स को मुलायम बनाते हैं, फिर इसे निकालने की कोशिश करते हैं।